जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु सहाय। वो जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आइए आज के सुंदर समय में मेरे प्रिय भाई बहन हम प्रभु की उपस्थिति से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 128 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। वो हर एक व्यक्ति धन्य है मेरे प्रिय भाई बहन जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा का प्रेम में, यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके प्रेम में आगे बढ़ते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, उसके भय में, उसके प्रेम में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आप एक धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम इस दुनिया के अंदर में हम धन्य व्यक्ति बने। आमेन। हालेलुया। क्या आप एक धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। सो आइए इस खड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और इस घड़ी हम थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे उस जीवित परमेश्वर का, उसके प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे और हम उसको धन्य कहेंगे कि प्रभु तू सच में महान है। और परमेश्वर से कहेंगे, पिता हम तेरे मार्गों में हम चलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे। जब आज की आराधना में हम शामिल हुए हैं, आइए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते तेरे नाम की, हम जय जयकार करते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की हम स्तुति करते, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा, सामर्थ्य परमेश्वर तो महान है, तू अनुग्रहकारी है प्रभु, तू जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने होठों और जुबानों को खोलिए और धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, हम धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ अपने मार्गों में अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के दृष्टि के लिए, तेरे सामर्थ्य के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते कि तूने अब तक हमें संभाल के रखा, अब तक अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को रखा मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ स्तुति हो, स्तुति हो राजा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी जब हम तेरे चरणों में आए हैं, हम हर एक से बातचीत कर अपना अनुग्रह रूपी हाथ को बढ़ाकर हम हर एक को छू ले मेरे स्वामी, मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते राजा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए को हम अपने हाथों को उठाकर गाएंगे, आराधना में निवासी है तू पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आराधना में आज निवास कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू आराधना में निवासी परमेश्वर है, आज हमारे को पवित्र आत्मा से भर दे मेरे स्वामी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और आइए इस गीत को हम एक साथ मिलकर हम गाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निवासी है तू पवित्र आत्मा, मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु। आराधना में
आत्मा मेरी आराधना में आ निवास कर प्रभु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। आराधना में निवासी परमेश्वर प्रभु, पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू इस घड़ी अपने उपस्थिति को हमारे जीवन में दिया है। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हम हर एक को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहा है। मेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं, मेरे राजा धन्यवाद देते हैं, ग्लोरी जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु। आगे जब पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा के लिए और कुछ गीतों को हम गाएंगे, पिता हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर तो हमारे एक के संग हो लेना, हमारे एक की अगुवाई करना मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा, ग्लोरी टू गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आगे के भागों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे एक के संग हो ले, हमारे एक की को पिता परमेश्वर अपने प्रेम में अनुग्रह के दृष्टि में आगे बढ़ा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर है, आमेन। परमेश्वर का वचन लुका रचित सुसमाचार उसका 4:18 में लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे कर अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। आमेन हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कितना महान है, कितना वो सामर्थी है। और इस बात को बाइबल बताती है कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति कंगाली का जीवन जिए। वो नहीं चाहता था मेरे प्रिय भाई बहन, और आज भी वो नहीं चाहता है कि हम
कैदियों का जीवन जिए, बंदी का जीवन जिए, वो चाहता है कि हम छुटकारा पाए, वो चाहता है कि हम हर्ष के साथ उसके प्रेम उसके अनुग्रह का दृष्टि में हम आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। इस गीत को गाकर आइए हम प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करें, उसके नाम की हम महिमा करें। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के सुंदर समय में
और इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को इस आराधना में महसूस करने पा रहे हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपका परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, सामर्थी है। हालेलुया, और वो परमेश्वर जो है हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, कि आप तैयार है परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, कि आप तैयार है प्रभु के अनुग्रह के दृष्टि में बढ़ने के लिए। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन मत घबराइए, मत डरिए, मत व्याकुल होइए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा आपके साथ में है। और आज मैं वचन के थ्रू आपके विश्वास को मैं उत्साहित करना चाहूंगा, आप सबों को उत्साहित करना चाहूंगा कि हमें इस जीवन में घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी किताब उसका 35 अध्याय उसका 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, यशायाह चैप्टर 35 वर्स 3 एंड 4। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता और लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है, हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया, आज से कुछ दिनों के बाद में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परंतु मैं उससे पहले आप सबों को उत्साहित करना चाहूंगा, वो परमेश्वर जो उद्धार करता परमेश्वर है, जो हमारे जीवन को उद्धार करेगा, वो परमेश्वर आने वाला है। लेकिन वो हमसे क्या चाहता है, लिखा है ढीले हाथों को दृढ़ करो। वो नहीं चाहता है कि मेरे प्रिय भाई बहन इस जीवन में हम ढीला ढाला रहे, वो चाहता है कि हम अपने जीवन को मजबूत बनाए, अपने हाथों को मजबूत बनाए। हमारा हाथ ढीला ढाला है, हमारा घुटना आज ढीला ढाला है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, जब आप इब्रानी उसका 12 दिए उसका 12 और 13 पद को पढ़िएगा तो यहां पर भी इसी बात को कहता है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 12 एंड 13, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 12 और 13 पद यहां लिखा है, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाओ के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। यहां पर भी अपने हाथों को दृढ़ करने, अपने हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पर भी बाइबल बताती है। कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है मेरे प्रिय बाइबल, मैं तो बहुत देर इस विषय में मैं सोच रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि क्या है प्रभु ये ढीला हाथ, ये निर्बल घुटना किस बात को दर्शाता है। और जब मैं प्रेयर कर रहा था, अब परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज कई बार हम और आप प्रभु के कार्य में हम ढीले हो जाते हैं, हम प्रार्थना करने में ढीले ढाले हो जाते हैं हर चीज में। इसलिए आज हम आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल यहां पर साफ इस बात को बतलाती है कि अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो, मतलब आज हम प्रभु का काम करने का जब समय आता है हम अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं, हम ढीला ढाला हो जाते हैं, हम अपना हाथों को, कई बार आपको कहा जाता अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए, हम अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं, हम ढीला करते हैं। जब घुटने टेकने को कहा जाता है हम अपने घुटनों को भी हम नहीं टेक पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल इस बात को बताती है कि हमें घुटने टेक कर हमें प्रार्थना करना है, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है। बाइबल इस बात को कहती है, यीशु मसीह जब भी वो एकांत में जाता था, वो प्रेयर जब करता था, बाइबल इस बात को बताती है कि वो घुटने टेक देता था अपने पिता के सामने। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आज से आप घुटनों को टेकिए मेरे प्रिय भाई बहन, और घुटने टेक कर वो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए अपने ढीले हाथों को दृढ़ करिए, प्रभु के काम में आगे बढ़िए, तत्पर रहिए प्रभु के कार्य के लिए।
अगर आज हम प्रभु का काम नहीं करेंगे तो क्या कल परमेश्वर हमारा कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने ढीले हाथों को दृढ़ करने का मतलब ये भी है कि हमें प्रभु के काम में आगे बढ़ना है, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे हमारा आपको आगे बढ़ना है। घुटनों को मजबूत करने का मतलब है अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने जीवन को मजबूत करें। और यहां लिखा है 13 पद में, अपने पाओ के लिए सीधे मार्ग बनाओ। मतलब मेरे प्रिय भाई बहन, हमको अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग में चलाना है। यहां पर लिखता है कहीं ऐसा ना हो कि लंगड़ा भटक जाए। अगर हमारा विश्वास अधूरा रहेगा, हम अपने लिए सही मार्ग तैयार नहीं कर पाएंगे, और अगर हम तैयार नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत करेंगे, प्रभु के काम में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, बाइबल कहती है भला चंगा हो जाए। हालेलुया। हम अपने लिए मार्ग को तैयार करेंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और हम लंगड़ा नहीं लेकिन हम भला चंगा हो जाएंगे, और हमारा मार्ग ऐसा मार्ग होगा कि हम सीधे परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे मार्ग को तैयार करेगा? बाइबल बताती है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के पास में जाना चाहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमें करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम उसके प्रेम में बढ़े, हम उसके कार्यों को देखें, उसके प्रेम को देखें, और हम उस पर भरोसा रखें और सीधे हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है। और यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मेरा पिता तुम्हें मेरे नाम से देगा। अर्थात हम जो यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, हमको यीशु मसीह के नाम से ही हमारा पिता भी हमें देगा। हालेलुया। इसलिए उस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। उद्धार पाना चाहते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। दरोगा जब इस बात को जाना, वो कांप उठा, बाइबल बताते हैं, कांपते हुए वो पौलुस और सिलास को बोलता है कि मैं उद्धार पाना चाहता हूं। पौलुस और सिलास एक ही बात को बोले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ये वो नहीं बोले कि यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह ये करता है वो करता, नहीं, सीधे उसने कहा यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और साथ में तेरा घराना भी उद्धार को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहते हैं? क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? उद्धार पाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। और जब आपको उद्धार का जीवन मिलेगा, आप कहने पाएंगे सच में मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर। आप कहेंगे मेरा स्वामी महान स्वामी है, मेरा प्रभु ऊंचाई में रहने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। चेले लोग घबरा रहे थे, और बाइबल बताती है 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 पद, हम लोग उससे पहले हम लोग देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 पद में, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 2 तीमुथियुस 1:7 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस दुनिया में परमेश्वर हमारा आपको डर का आत्मा नहीं दिया है कि हम डर डर के हम अपना जीवन को जिए। इस दुनिया के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, ताकि हम उस सामर्थ को पाकर, उस संयम को धरकर, मेरे प्रिय भाई बहन, उस परमेश्वर के प्रेम में पढ़कर एक बेहतर जीवन को हम जी पाए, उद्धार का जीवन को इस दुनिया के अंदर में जी पाए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और वो चाहता है कि हम उस जीवन को प्राप्त करें और हम आगे बढ़े। वो नहीं चाहता है कि हम और आप नीचे रहे। लिखा वो परमेश्वर घूरे पर से उठाता है। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया, सामर्थ का आत्मा दिया है। इसलिए कोई भी परिस्थिति इस दुनिया के अंदर में आ जाए, कभी मत घबराइए, कभी मत डरिए, बस विश्वास रखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सके नौकरी के सिलसिले में, हो सके आप घर परिवार के सिलसिले में, चाहे किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन में अगर डर आ रहा है, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, मत डरिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, मत डरिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। जब मैं पढ़ रहा था लुका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 49 पद में यहां पर लिखा है, लूक चैप्टर 8 वर्स 49 ऑनवर्ड, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यही अपनी बेटी के मरने के पर पश्चात वो क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को के पास में हो गया है। जब उसकी बेटी मरने वाली है, ऐसे सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह को बोलता, मेरे घर में चलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में चलो, मेरी बेटी मरने वाली है। और इस बात को वो प्रभु यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह उसके साथ में जा रहा था, और उसी में से किसी एक व्यक्ति आकर बोलता है कि तेरी बेटी यार मर गई, अब गुरु को दुख मत दो, गुरु को ले जाने से अब कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे, गुरु आ जाके क्या करेगा। लेकिन यीशु मसीह जब इस बात को सुना, 50 पद में लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। यीशु मसीह इधर उधर की बातों को नहीं बोला, लेकिन एक ही बात को बोला, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, आज यही हमें करना है इस जीवन में, हमें किसी भी परिस्थिति से नहीं डरना है, बस विश्वास रखना अपने परमेश्वर के ऊपर में, बस विश्वास रखना है, तो हमारा सारा कार्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। हालेलुया, लिखा है कि तो वह बच जाएगी, बस विश्वास रख यार, तेरी बेटी बच जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहन, बस विश्वास रखिए, आपका हर काम सक्सेस हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वास रखिए, आपका पारिवारिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आप बस विश्वास रखिए, आपका हर परिस्थिति यीशु के नाम में बदल जाएगा, बस विश्वास। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम विश्वास रखें, वो हमको नहीं छोड़ता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 20 पद, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह उत्साहित करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, चेले लोग घबरा रहे थे, अब क्या होगा, यीशु मसीह चला जाएगा, हमारा क्या होगा, लोग डर रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है मती 28 का 20 पद में, प्रभु यीशु मसीह जाते जाते इस बात को कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। वो ये नहीं बोला मैं जा रहा हूं, वो ये नहीं बोला मैं जा रहा हूं, हो गया टाटा बाय, नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तक तुम्हारे साथ में हूं। वो हमको मेरे प्रिय भाई बहन अकेला नहीं छोड़ता है, हम इस दुनिया में अकेले नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करिए, वो परमेश्वर हमारे साथ में है, वो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह हम और आपके साथ में है, वो एक अच्छा चरवाहा है, वो हमको नहीं छोड़ता है। बहुत ही अच्छा मुझको लगता है जब मैं पढ़ता हूं भजन संहिता उसका 24 अध्याय में, इस बात को जब हम पढ़ते हैं, कितना उत्साहित करने वाला 23 अध्याय में, कितना उत्साहित करने वाली बातें हैं भजन संहिता 23 अध्याय उसका पहला पद से, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह हम अपने निमित्त नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है, इसलिए चाहे अंधकार हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे तकलीफ हो, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, मत घबराइए,
विश्वास रखिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में। वो परमेश्वर अपने प्रेम से अपनी सामर्थ से हमारे के जीवन को भर देगा। हालेलुया हालेलुया। जब मूसा को यह संदेश मिला, मूसा अपने ससुर का भेड़ बकरी को चरा रहा था, और जब परमेश्वर का आह्वान हुआ, बाइबल क्या बताती, निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका पहला पद से यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, एक्सोडस chapter 3 verse 1 onward, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। नॉर्मली अगर आप किसी झाड़ी को आप देखिएगा, तो एक बार जब झाड़ी को जलाइएगा तो उसका लौ काफी तेज से एक बार में उठेगा, और एक ही पल में वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, खाक हो जाएगा, राख में बदल जाएगा। लेकिन मूसा जिस झाड़ी को देख रहा है, वो झाड़ी बस जल रही है, उसका लौ बस जल रहा है, लेकिन उसका पावर जो है वो कम नहीं हो रहा है। अब वो इस बात को देखता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल इस बात को कहती है 4th पद में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चलाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकार कर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। परमेश्वर के उस झाड़ी में जब परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा, जब उसके करीब जा रहा है, परमेश्वर उसको पुकार रहा है, उसके करीब जा रहा है, उसको देखने के लिए परमेश्वर से बात कर रहा है। आज हमारा भी जब परमेश्वर के करीब जाएंगे, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। अगर हम परमेश्वर से दूरी बनाएंगे, अगर मूसा बोलता नहीं, अरे ये क्या हो रहा है, छोड़ो वापस चलते हैं, क्या देखेंगे झाड़ी को। लेकिन मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए बाइबल बताती करीब किया, और परमेश्वर को पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, परमेश्वर हमारा आपसे बातचीत करेगा, बातचीत करेगा, और जो हमारे लिए संदेश है मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर हमारा आपको बतलाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े, और परमेश्वर मूसा से बातचीत करना शुरू किया, और मूसा को उत्साहित किया कि मैं तुमको मिस्र देश में भेजूंगा, जहां पर इसराइलियों करहा रहे हैं, इसराइलियों का जीवन बर्बाद सा हो गया है, इसराइलियों रो रहे हैं, मैं उनको बचाना चाहता हूं मूसा, उस मिस्र के कैद से मैं छुड़ाना चाहता हूं मूसा, और मैं तुमको उस जगह में मैं भेजने वाला हूं। परमेश्वर अपना परिचय देकर इस बात को कह रहा है, लेकिन मूसा घबराता है, मूसा डर रहा है। परमेश्वर बोला, मैं तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिए, परमेश्वर को डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन मूसा के अंदर यह डर है कि राजा फिरौन इतना कट्टर आदमी है कि वह हमारी बात को नहीं मानेगा। परमेश्वर मूसा को चमत्कार भी दिखाया, निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका पहला पद में लिखा, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मैं जाकर मुझे बोलूंगा राजा फिरौन को कि परमेश्वर मुझको दर्शन दिया और बोला इस बात को, परमेश्वर वो मेरी कभी नहीं सुनेगा इस बात को, ना इसराइली लोग मानेंगे ना मिस्री लोग मानेंगे, कोई मेरी बातों को नहीं सुनेगा। ऐसे समय में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर उसको और भी अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और उसके विश्वास को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा, उसके विश्वास को बढ़ा रहा है। और क्या लिखा है 2 पद में, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ाना चाहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और जब परमेश्वर मिस्र में इसको भेजना चाह रहा है, उसके विश्वास को बढ़ा रहा है। पुनः जब वो लाठी को ऊपर उठाया मूसा, वो लाठी, वो जो सांप था जो बन गया था, वो जब वापस उसको उठाया, वो लाठी में पुनः बदल गया। इतना चमत्कार परमेश्वर मूसा को दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है ताकि मूसा इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
लेकिन भी मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन मूसा क्या बोलने लग रहा है। 10 पद में, निर्गमन 4:10 में मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मूसा बहाना कर रहा है, मेरे से नहीं होगा, बड़ी भीड़ को मैं देखता हूं, मैं बहुत डर जाता हूं, मेरे से नहीं होगा, मेरे अंदर में बहुत डर है, ये है वो है, वो इस बात को वो बहाना के थ्रू ये कर रहा है। परमेश्वर बोला, तेरे मुंह को बनाने वाला कौन है? मैं हूं। परमेश्वर इस बात को बोला, मैंने तेरा मुंह को बनाया, तो क्या मैं तेरे मुंह को ठीक नहीं कर सकता हूं? परमेश्वर को उत्साहित कर रहा है, शरीर को बनाने वाला परमेश्वर मैं हूं, तो क्या मैं तेरे मुंह को ठीक नहीं कर सकता मूसा? लेकिन मूसा बोलता है, नहीं प्रभु, किसी और को भेज, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। आगे आप पूरा पढ़ लीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहन। मूसा बहाना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर मूसा को बोला, मैं तेरे लिए और एक तेरा सगा भाई को, मैं तेरा भाई लेविए हारून को मैं तुम्हारे साथ में भेजता हूं, और मैं तुम्हारे तुम दोनों के द्वारा इसराइलियों के बीच में, मिस्रियों के बीच में मैं अपनी बातों को रखूंगा। मुंह तुम्हारा होगा, लेकिन बोली मेरा होगा। इस बात के द्वारा परमेश्वर मूसा को उत्साहित कर रहा है। मूसा शुरू में घबराया, लेकिन आप पूरा निर्गमन का पत्री को आप पढ़िएगा, कैसे मूसा के अंदर से परमेश्वर डर को खत्म कर दिया। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहन, जो हमारे अंदर में जो डर है उसको वो दूर करने की सामर्थ रखता है। हमारे अंदर में जो कुछ भी है, जो भय है, जो आज हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसी चीजों को वो परमेश्वर हमारे जीवन से जड़ से समाप्त करने की सामर्थ रखता है। बस हमको उसकी आवाज को सुनना है, मूसा के नाई उसके करीब जाना है, उससे प्रार्थना करना है, वो परमेश्वर अपना प्रेम से हमें भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार है प्रभु का प्रेम में बढ़ने के लिए, प्रभु का सामर्थ में बढ़ने के लिए? इसलिए लगातार आप प्रार्थना करें और प्रभु को पुकारें, वो परमेश्वर हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर हम और आपको इस दुनिया में रखा है, क्योंकि बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 125 अध्याय लिखा पहला पद में कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। इसलिए इस पृथ्वी पर हैं आप, विश्वास रखिए परमेश्वर के ऊपर में। ये दिसंबर का महीना धन्यवाद देने का महीना होता है, आप लगातार धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, और परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा इस दुनिया के अंदर में, बस आप भरोसा रखिए परमेश्वर ऊपर में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एक गीत है, यीशु मसीह भरोसा है तू मेरा। हालेलुया, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हालेलुया, हालेलुया, बहुत ही प्यारा ये गीत है। आप प्रार्थना करिए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने ढीले हाथों को मजबूत करिए, अपने घुटनों को मजबूत करिए, और मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब भी आपको समय मिले घुटने टेक टेक कर, टेक टेक कर आप प्रार्थना करिए, अपने हाथों को उठा उठा कर आप प्रार्थना करिए मेरे प्रिय भाई बहन। और जब आप ऐसा करेंगे आप गवाही देंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने लगा है। आप खुद गवाही देंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दिया है। इस बाइबल को जब आप पढ़िएगा, जितने भी नबी हुए, जितने लोग भी हुए, जितने भी पत्री लिखने वाले हुए, सबका एक ही चीज था कि उसने अपने हाथों को मजबूत कर लिया, अपने निर्बल घुटनों को मजबूत कर दिया, और घुटने टेक कर वे लोग प्रार्थना करने लगे, और जिसके कारण से परमेश्वर उसको इस दुनिया के अंदर में इस्तेमाल करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, और इस घड़ी हम परमेश्वर को कहेंगे, पिता तू मुझसे बातचीत कर, पिता मेरे जीवन में अपने प्रेम को भर दे। हालेलुया। सो संभव हो अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए, और हमारे साथ मिलकर आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन अपने हाथों को उठाएं
और जो वचन को आज हमने सुना कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को डर से मुक्त करना चाहता है। याइर के अंदर में बहुत डर था, वो उस डर को प्रभु यीशु मसीह समाप्त कर दिया कि मेरी बेटी तो अब मर गई, मेरा क्या होगा, वो हमारे परिवार का क्या होगा। ओ लेकिन याइर को प्रभु यीशु मसीह उत्साहित किया कि मत डर याइर, केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। मूसा के अंदर बहुत बड़ा डर था लेकिन परमेश्वर उस डर को समाप्त कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, आज वही परमेश्वर और आपके जीवन में भी जो डर है, आज इस जीवन के अंदर से वो सारा डर को वो दूर करेगा। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी बाबा 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 मामा 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 दे रेडे प्रभु तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे खुदावंत पिता, इस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी घड़ी जितने लोग प्रभु इस घड़ी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक के संग हो ले प्रभु, और हर एक के जीवन से मेरे प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों को प्यारे पिता तू उनके अंदर से डर को दूर कर दे मेरे खुदा, ताकि इस जीवन में ओ प्रभु तेरी सामर्थ के साथ, तेरे प्रेम में, तेरे संयम के साथ मेरे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने पाए मेरे खुदा, और हर एक प्रकार के डर से प्रभु बचाए जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा प्रभु एक एक के जीवन में उद्धार का जीवन दे, ओ एक एक के परिवार को अपने उद्धार में बदल दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि ये प्रिय लोग पिता प्रभु लगातार 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 तेरा धन्यवाद करने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए, तुझ में लगातार बढ़ने पाए। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, ओ राखा बाशा बारी बाबा 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 बाबा, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर में उतर रहा है, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है, और परमेश्वर ऐसी घड़ी आपके जीवन से एक प्रकार का डर को दूर कर रहा है, हर एक प्रकार का भय को दूर कर रहा है, और आपको परमेश्वर सामर्थ दे रहा है इसी घड़ी। वो अपने हाथों को उठाकर रिसीव करिए, प्रभु के सामर्थ को अपने जीवन में वो रिसीव करिए, स्वीकार करिए, ग्रहण करिए यीशु के नाम से। हालेलुया, और अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, प्रभु मेरे जीवन से डर को बिल्कुल समाप्त कर दे। रीबा बाबा 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 शबलाबा, हो सके बीमारी का डर है, आज आप प्रार्थना करिए प्रभु मेरे अंदर से हर एक प्रकार का बीमारी का डर समाप्त हो जाए। हो सके पारिवारिक समस्याओं का ये डर है, आइए प्रभु से कहिए प्रभु मेरे जीवन से पारिवारिक समस्या का डर समाप्त हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 ताकि प्रभु मैं अपने घुटने को मजबूत करने पाऊं, अपने घुटनों को मजबूत करके घुटने टेक टेक कर तुझसे प्रार्थना करने पाओ। प्रभु ऐसा अनुग्रह को देना, ऐसा सामर्थ को देना यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर एक प्रिय भाई बहन इसी घड़ी आशीषित हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर बंधन इसी घड़ी टूटे प्रभु, और ये प्रिय लोग शांति का जीवन को व्यतीत करे, आनंद का जीवन को व्यतीत करे, खुशी का जीवन को व्यतीत करे, और तेरी महिमा का गवाही देने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और इन प्रियों को आशीष दिया है, इन प्रियों को ब्लेस किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक को ब्लेस कर महिमा से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप इसके माध्यम से ऑनलाइन आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर महान अनुग्रहकारी है। सो बड़ी उदारता के साथ में मुट्ठी खोलकर आप प्रभु की महिमा के लिए दे, स्वेच्छा के साथ में दे, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आपकी स्क्रीन में जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप उसके माध्यम से आप दे सकते हैं, और जरूर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी लिखे, आमेन, ताकि हमारी टीम आपके लिए प्रत्येक दिन विशेष प्रार्थना करेगी, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम एक गीत को हम लोग गाएंगे, तोर वचन मोर लागिन इंजोत है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए इंजोत है, लाइट है, रोशनी है।
हालेलुया दीपक है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आप सबों के जीवन को भर दिया है और आज की आराधना में आप आशीष को प्राप्त किए। आमेन। सो आइए इस घड़ी में अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम लोग धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया प्यारे परमेश्वर प्रभु, कि हम तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह के दृष्टि में बढ़ पाए। प्रभु तूने अपने गीतों के द्वारा हमारे एक से बातचीत किया, अपने वचनों के माध्यम से हमारे एक से बातचीत किया। प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे सारी आशीषों के लिए पिता, जो तूने आज के सुंदर समय में इस आराधना में दिया। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रिय लोगों के
मेरे पिता जिन्होंने अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किया, उनकी प्रार्थना निवेदन को हाँ रामीन के साथ में सुना प्रभु, और जिन्होंने प्रभु अपने मुट्ठी खोलकर तेरे लिए धन्यवादी भेंट दिया तेरी महिमा के लिए मेरे पिता, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, हर एक के दान दशमांश देने के द्वारा प्रभु पिता उनके जीवन में उनके परिवार में तेरी आशीष उतरने पाए ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक के संग होले, हर एक की अगुवाई कर ताकि इसी प्रकार तेरे वचन को सुनने में ये प्रिय लोग आगे बढ़े, इस संगति में आगे बढ़े और तेरा धन्यवाद करने पाए। पिता हर एक को आशीष दे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे लगातार YouTube पर संडे आराधना चल रही है, आप जरूर संडे आराधना में जुड़े, परमेश्वर एक को बहुत तहत की आशीष देगा। और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आप हमारे हर एक मीटिंग में शामिल हो पाएंगे, आमीन। हमारा फेसबुक पेज पर सैटरडे के दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 2 घंटे की फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रही है, जरूर आप हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है आप उसमें जाए और उस पेज को जरूर लाइक एंड फॉलो करें। और आप उस पेज के माध्यम से सैटरडे के दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 2 घंटे की फास्टिंग प्रेयर में आप ज्वाइन होकर प्रभु का आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, आमेन। और गूगल मीट में बुधवार के दिन शाम 7:30 बजे, हर एक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना होती है गूगल मीट ऐप के माध्यम से, और बहुत सारे प्रिय लोग जुड़कर ऑडियो एंड वीडियो के माध्यम से अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर करते हैं और चंगाई को पाते हैं, गवाही देते हैं और परमेश्वर बहुत तहत की आशीष दे रहा है। अगर आप उस गूगल मीट की आराधना में शामिल होना चाहते हैं जरूर आप आपके स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा आप उसमें हमें मैसेज करें और आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और बुधवार को आप उस लिंक के माध्यम से हमारी चंगाई सभा में आप ज्वाइन हो सकते हैं, परमेश्वर बहुत तहत की आशीष को देगा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े और आप जरूर अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट आप स्वेच्छा के साथ में दे सकते हैं, आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं, प्रभु हर एक को बड़ी आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन, और आप प्रभु के प्रेम प्रभु के अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाइएगा, आमीन। और फेसबुक पेज पर मॉर्निंग प्रेयर सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 4 दिन मॉर्निंग प्रेयर सुबह 6:30 बजे होता है फेसबुक पेज पर, सो जरूर आप उस मॉर्निंग प्रेयर में भी सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:00 बजे तक हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, आमीन। आप उस आराधना में शामिल होकर प्रभु का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े, परमेश्वर को आशीष दे सबों को, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय।